दिलीप को पुलिस लेकर जा रही है। आप देखिए देखिए देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहते हैं और पुलिस द्वारा हमें अरेस्ट किया जा रहा है। सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें अरेस्ट कर रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस छात्रों को न्याय मिल जाए। हमें आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन छात्रों को न्याय दे दीजिए। जो 11 सूत्री हमारा डिमांड है उसे पूरा कर दीजिए। हमारा जो 11 सूत्री डिमांड है, मिनट भर पहले हजारों की संख्या में यहां दरोगा परीक्षार्थी पहुंचे थे और ये सड़क जो है ये यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई थी। आप देखिए किस तरह से दरोगा परीक्षार्थी को पीछे कर रहे हैं बिहार पुलिस के जवान, पटना पुलिस के जवान पूरी तरह से इनको पीछे कर चुके हैं। और जो छात्र नेता उनको लीड कर रहे थे तमाम दरोगा परीक्षार्थी को, दिलीप, उनको पुलिस हिरासत में ले ली है और उसे लेकर यहां से चले गए हैं। और तमाम जो जितने भी प्रोटेस्टर थे जो सड़क पर आंदोलनकारी उतरे थे, लगातार दरोगा परीक्षार्थी जो है अपनी आवाज़ बुलंद पहले भी करते आए हैं और तमाम तरह के वो एविडेंस भी दिखाते हैं कि हमारे पास ये प्रूफ है कि दरोगा बहाली में काफ़ी धांधली होती है, लेकिन सरकार इसको दरकिनार करके उन पर पहले भी लाठी चार्ज कर चुकी है। और आज दिलीप को हिरासत में लेकर जो छात्र नेता दिलीप हैं, तमाम छात्रों को जो लीड करते हैं उनको पुलिस लेकर गई है अपने साथ। और ये सड़क जो है, हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और इनके पास परमिशन भी नहीं था इस जगह पर प्रदर्शन करने का, इसी को मुद्दा बनाते हुए पुलिस ने अपनी तरफ से ये रखा कि इनके पास परमिशन नहीं है और ये प्रदर्शन जो है ये पूरी तरह से अवैध है। तो इसको लेकर पुलिस ने छात्र नेता दिलीप को अपने हिरासत में लिया और लेकर यहाँ से चले गए। तमाम जो छात्र थे उसको इस जगह से खाली करवाया गया और अपने उसे वापस भेज दिया गया। लगातार आप देख सकते हैं कि पुलिस एक्टिव हो गई है, पटना पुलिस एक्टिव हो गई है और छात्र नेता जो बिहार दरोगा परीक्षार्थी जितने भी थे उनको लीड जो कर रहे थे दिलीप, उनको अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बल का प्रयोग होना अब लगभग देख सकते हैं किस तरह से दिलीप को पुलिस लेकर जा रही है। आप देखिए देखिए देखिए, हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को रखना चाहते हैं और पुलिस द्वारा हमें अरेस्ट किया जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम तैयार हैं सर, हम तैयार हैं सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए लगातार जो है पुलिस जो है ये कह रही है कि ये विदाउट परमिशन जो छात्र नेता दिलीप है ये इन्होंने परमिशन नहीं लिया था और अब सड़क पर उतर गए थे छात्रों को लेकर, तो इनको पुलिस अरेस्ट कर रही है। दे रहे हैं, ये देखिए हमारा डिमांड है, हम दे रहे हैं, फिर भी सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए हमें अरेस्ट कर रही है। हमें कोई तकलीफ नहीं है, बस छात्रों को न्याय मिल जाए। हमें आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन छात्रों को न्याय दे दीजिए। जो 11 सूत्री हमारा डिमांड है उसे पूरा कर दीजिए। हमारा जो 11 सूत्री डिमांड है उसे पूरा कर दीजिए। परमिशन इधर का नहीं मिलता हम लोग को, हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें। कहीं से कोई बात नहीं, कहीं से कोई बात नहीं, ठीक है सर। देखिए किस तरह से छात्र नेता दिलीप हैं जो आंदोलन करने के लिए सड़क पर छात्रों के साथ उतरे थे, उनको पुलिस जीप में बिठा लिया गया है। अब ये जो लीड कर रहे थे इस आंदोलन को, इनको पुलिस ने जीप में बिठा लिया है और अब इसे लेकर जा रही है पुलिस। लगातार ये बोल रहे हैं कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन पुलिस तानाशाही रवैया अपनाते हुए, हालांकि विदाउट परमिशन ये है और इनका ये आरोप है कि परमिशन के लिए हमने एप्लीकेशन दिया था पर हमें परमिशन जानबूझकर नहीं दिया गया। ये देखिए किस तरह से छात्र नेता दिलीप को जो है उनको पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है और दिलीप जो है पुलिस गाड़ी में इनको बैठा कर लेकर जाया गया है। हालांकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पर धरना प्रदर्शन करना भारी संख्या में अलाउ नहीं है। तमाम अपडेट्स रिपब्लिकन न्यूज आप तक पहुंचाते रहेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।